और आज बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र से बड़ी तादाद में कांग्रेस के कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जुड़े रहे, एनएसयूआई से जुड़े रहे, वो लोग आज आम आदमी पार्टी का उन्होंने हाथ थाम लिया, कांग्रेस का दामन छोड़ करके वो यहाँ पहुंच गए। यहाँ पर आज इस पत्रकार वार्ता को कई विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बुलाया गया है। बल्लीमारान विधानसभा में इमरान भाई के प्रयासों से बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के जो विभिन्न पदों पर रह चुके हैं समय समय पर, वो लोग आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सब का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा एक एक व्यक्ति का नाम इमरान भाई लेंगे और मैं उनको टोपी पहना के आम आदमी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल करूँ। काशिफ रहमान साहब जो एक्स चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट के यूथ के जनरल सेक्रेटरी थे एनएसयूआई में और यूथ के प्रेसिडेंट थे, उन्हें आज आम आदमी पार्टी में हफीज रहमान साहब, नईम साहब, इंतजार साहब, इकबाल साहब, राजा साहब, मुजम्मिल साहब, संजय जी, सचिन भाई, ब्लॉक प्रेसिडेंट ईदगाह भाई तार देखी नहीं, आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किशन भाई जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रेहान भाई, जमील भाई, बाबूलाल प्रधान जी धोबी समाज आज हमारे बीच में, संजय भैया द्वारा आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सुनील जी, योगेश जी और सारी जितनी भी बल्लीमारान ब्लॉक की यूथ की टीम थी कांग्रेस की सारी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रही है। नेताजी थोड़ा सा आगे सेट जाइए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त काशिफ रहमान आप यहाँ आए हैं, क्या वजह है कि अब आप आम आदमी पार्टी में आ गए? देखिए, जो बदलाव दिल्ली में आया है, चाहे वो तालीम को लेकर हो, मेडिकल को लेकर हो, एक नई दिल्ली की तरफ जाने की हो, हम उससे पीछे नहीं रह सकते थे। हम नौजवान थे, हमारा सब यही सोच के यूथ कांग्रेस में आए थे कि देश बदलेगा, आगे मुल्क बदलेगा, उसके हिसाब से ही। अब वो चीजें कांग्रेस में नहीं रही, वर्कर का सम्मान कांग्रेस में नहीं रहा। अब इमरान भाई जिस तरीके से लोगों को काम कर रहे हैं, इलाके की खदमत कर रहे हैं, तुम अपने आप को उससे रोक नहीं पाए, क्योंकि हम लोग सब ये चाहते हैं कि हमारा इलाका अच्छा हो, दिल्ली अच्छा हो, हिंदू मुस्लिम मिलके रहें, धर्म की राजनीति खत्म हो। लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा थी सबको साथ लेके चलने की, आज वो कांग्रेस उससे पीछे हटती जा रही है। आज जो कांग्रेस की हालत हुई है देश भर में, 44 सीटें या 48 सीटों पर आकर वो रुक गई है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रही है कि कार्यकर्ता को वो भूल चुकी है, कार्यकर्ता का सम्मान भूल चुकी है। मेरे साथ इस वक्त में दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतनी बड़ी तादाद में हर रोज लोगों का आना, देखिए ये अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस का जादू है जो वो कर रहे हैं, और जो उन्होंने स्कूल के ऊपर काम किया या स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, बिजली के ऊपर काम किया, पानी, सड़क, सीवर, कैमरे, वाईफाई, महिला सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, जो दिल्ली एक विकास की ओर बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ बुनियादी वो अब होने जा रहा है, और जिसका फायदा डायरेक्ट जनता को मिल रहा है।
और उसी से लोग प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के साथ इतनी बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं और कांग्रेस को लोग नकार चुके हैं। पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस कहीं है नहीं, लोग नकार चुके हैं, ना उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है इलेक्शन में जाने के लिए। सिर्फ वो लोग बांटने की राजनीति करते हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बांटने की राजनीति करते हैं। उन दोनों से ऊब कर लोग बाग, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हों या कांग्रेस से जुड़े हों, सब लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, सात लोगों का जुड़ना, और वो भी अरविंद केजरीवाल जैसे मैं लिखा देख रहा हूँ, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, कहीं ना कहीं ये वही जादू है, वही असर है कि आज दिल्ली में जो 70 सीटें उसमें से कितनी आप इसका आकलन करते हैं? देखिए, पिछली बार जनता ने जो है बदलाव के लिए वोट दिया था और 70 में से 67 सीटें दी थी। 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो कारनामे करके दिखाए, जो दिल्ली के अंदर शिक्षा का स्तर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर बनाया, हेल्थ सेक्टर में जो सबसे बेहतर काम करा, एजुकेशन में, हेल्थ में, सड़क में, सीवर में, पानी में, ट्रांसपोर्ट में जो इतना बेहतर काम हुआ है, जिससे जो उनको वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के लोगों को आज 200 यूनिट का लाभ मिल रहा है, लगभग 32 लाख परिवारों को डायरेक्ट फायदा पहुँच रहा है, वो पानी की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, महिला सुरक्षा की शक्ल में, महिलाओं का जो आज बस की यात्रा का किराया फ्री करा है, जिस शक्ल में सारी दिल्ली को इसका फायदा पहुँच रहा है। कितना आकलन करते हैं 70 सीटों में से दिल्ली में इमरान हुसैन? मैं इस वक्त आकलन करता हूँ कि 70 में से 70 सीटें दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को देने जा रही है और आम आदमी पार्टी तो ये थे इमरान हुसैन, जो कि इस वक्त किसी बात का दावा कर रहे हैं कि 70 में से 70 सीटों का जो आंकलन है वो कहना कम नहीं होगा, क्योंकि लोगों का खास तौर से जो इस वक्त रुझान है, लोगों ने जिस तरीके से बिजली सड़क सीवर पर केजरीवाल ने ध्यान दिया है, इसको देखते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस वक्त लोगों ने बड़ी तादाद में कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। हिंदुस्तान लाइव यूट्यूब पर देख सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए, और फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरानिया ये फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।